हिम्मनी में जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन सर कर रहे थे और समझ रहे थे, यानी वन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे रोमन वन फाइव तक, आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा एक क्वेश्चन सर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भरने वाला है, ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट में दिया गया है दीर्घ अवधि के मौसम का, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत औसत कहलाता है, ठीक है। तो दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जो है क्या कहलाता है, तो जलवायु कहलाता है, ठीक है। क्या इसमें हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा जलवायु, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है रोमन का सेकंड नंबर, वर्ष भर सूर्योदय, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डॉटर में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, ठीक है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है जी, तो इसमें जो है समय में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, समय यानी जो है सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय में क्या होता है, समय में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, समय। उसके बाद जो है तीसरा नंबर हम लोग जानेंगे रोमन क्या है। देखिए रोमन का तीसरा नंबर दिया गया है समता आदरता आदि, तापमान आदरता आदि डॉटर की घटक है, ठीक है। तापमान आर्द्रता आदि के घटक है, तो किसके घटक है, तो ये सब जो है तापमान आर्द्रता, ठीक है, पवन, ये सब जो है मौसम के घटक है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मौसम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर दिए, ठीक है। इसके आगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, देखिए कुछ इसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आंसर जानेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी किस प्रकार के अनुकूलित है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत जो देश आता है, इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े हाथी भी जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने वातावरण के साथ कैसे अनुकूलित बना लेते हैं, इसके बारे में हम क्या करना है, जानकारी करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थिति के अनुकूलित
हो जाते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुकूलित हो जाते हैं, अपनी सुर का उपयोग ये नाद के रूप में करते हैं। देखिएगा कि लंबे लंबे जो दो सुर होता है वो ये इसके रूप में होता है, तो नाद के रूप में होता है, ठीक है। लंबी सुर के कारण इनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसका जो सुर होता है यानी नाद देखिएगा बहुत लंबा होता है, ठीक है, इसलिए वो सुनने की क्षमता जो होता है काफी अच्छा होता है, ठीक है। हाथी द्वारा सुन का उपयोग भोजन के तोड़ने, कमा उठाने और उन्हें मुंह में डालने के लिए किया जाता है। हाथी का जो सुन होता है देखिए बड़े बड़े लकड़ी को उठाने के लिए और भोजन को अगर लकड़ी को लकड़ी के पत्ते को खाना होगा तो उसी के माध्यम से क्या करते हैं अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, मुंह में डालते हैं और इसके बाद जो है अतः भोजन के लिए हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं, ठीक है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। देखिएगा हाथी के जो होता है क्या होता है तो लंबा लंबा कान होता है, ठीक है, तो काफी सूक्ष्म ध्वनि को भी सुनने में अत्यधिक सहायक होता है, ठीक है, सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वन की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनका काम सहायक होता है, जैसे गर्मी अत्यधिक गर्मी पड़ने लगे या अत्यधिक ठंडी पड़ने लगे तो उसका कान जो होते हैं बड़े बड़े जो कान वो क्या करते हैं कि वे बहुत ही काफी अनुकूलित रखने में जलवायु के प्रति अनुकूलित रखने में क्या करते हैं वे सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ज्ञान की देर समझ चुके हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे जो कलर यानी कि पसंद